इनके लब रंगी मिठावर के जिसने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। निगत खान है, इनको मालूम ये करना है कि मज़ारात पर बच्चों को मिठाई से तोला जाता है, तो ये मिठाई से तोलना कैसा और इस मिठाई को फिर जो है ना किन लोगों में तकसीम किया जाएगा। तो असल में इसके जायज़ नाजायज़ होने का गुमान इसलिए गुजरता है दिलों में कि लोग ये तसव्वुर करते हैं कि किसी को जितनी मिठाई से तोला जाएगा तो वो एक किस्म जो है वो वेस्ट हो जाएगी, तो ये माल की बर्बादी है और हकीकत जो है वो इससे दूर होती है। अगर किसी को, किसी ताज़ीमी शख्सियत को या किसी इज़्ज़त वाली शख्सियत को कोई शख्स किसी चीज़ से तोलता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो उसके यानी उसके लिए साले सवाब करना चाहता है, पहली चीज़। दूसरा ये कि सामने वाले की इसमें इज़्ज़त में इजाफ़ा भी दरकार होता है, उसकी अजमत को ज़ाहिर करना भी मुराद होता है। जैसा कि कहा भी जाता है कि अगर आप ये काम कर दो तो मैं आपको सोने में तोल दूँगा, चांदी में तोल दूँगा वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये काम कर दो तो मैं आपको यानी खुशी के मारे इतना आपके ऊपर जो है वो निछावर कर सकता हूँ। इसी तरह किसी की अगर औलाद नहीं होती तो वो ये कहता है अगर मेरा औलाद होगी तो मैं उसको मिठाई में तोल दूँगा, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे की वज़न की बराबर की मिठाई तोल कर गरीबों में बांटेगा, तो उस पैसे को बाद में जो है वो या मिठाई को बांटा ही जाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तोलने से मुराद ये भी नहीं होता कि एक पल्ले में बच्चा रखा जाए और दूसरे में मिठाई, ऐसा भी नहीं है। तोलने से मुराद ये भी हो सकता है कि बंदा बच्चे का अलग से भी वज़न करा ले कि जी 5 किलो का है और 5 किलो की फिर मिठाई तकसीम कर दे, तो ये हर्ज नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी की इज़्ज़त अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए अगर उसको किसी चीज़ में तोला जाता है तो वो चीज़ वेस्ट नहीं होती, बल्कि उस वज़न के तोलने के बाद उस चीज़ों को जो है वो गरीब में बांटा जाता है। तो ये किस्म से शुक्राने का भी तरीका हो सकता है, यानी शुक्र के तौर से इसको अदा किया जाए कि बंदा गरीबों में बांटे अल्लाह ताला के शुक्र में, और उसका बदला एक ये निकाले कि मैं अंदाज से मिठाई ख़रीदूँ, बेहतर है कि जितना वज़न है उसके हिसाब से उसमें जो है ना तोल दूँ। और दूसरा है कि फिर उसको कोई भी खा सकता है, इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं, इसमें अमीर गरीब की भी कोई कैद नहीं है, क्योंकि वो एक किस्म से शुक्राना है और नफिल है। तो बंदा जो है वो मज़ारात पर अगर तोलते हैं तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है, और मज़ार के अलावा भी अगर घर में कोई इस किस्म का मामला करना जाए तो भी हर्ज नहीं होता, और उसको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस मिठाई को ये सबके लिए हलाल है, इसमें अमीर गरीब और कोई ऐसी कैद नहीं है, कोई भी जो इसको खा सकता है। पुरानी बार।